असलम नाजरीन हम आपको तारीख़ के औरक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई तारीखी वीडियो आप तक पहुंच सके जुबैदा हबीब रहमतुल्ला बारह अगस्त 1917 को बम्बई में पैदा होने वाली जुबैदा सुल्तान चनोए एक सरगरम समाजी कारकुन वो बुनियादी तौर पर कराची में मुकम थीं। वो बरतानिया में आल इंडिया मुस्लिम लीग की सदर थीं और आल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन की बानी मेम्बर थीं। सदर अयूब खान की जानब से इनकी खिदमत के लिए इन्हें सतार खिदमत से नवाजा गया हबीब रहमतुल्ला ने जुबैदा चुनाए से 1935 में इस नुक नजर से शादी की उन्होंने बरतानवी हिंदुस्तान में मुस्लिम खातान की हमायत के लिए एक फाल समाजी बहबूद के महाज का आगाज किया जिसके बाद मतद्द खातान के तरक्याती मनसूबे बुनियादी तौर पर क्याम पाकिस्तान के बाद तालीम के गर्द घूम रहे थे खानदानी महाज पर जुबैदा रहमतुल्ल के वालद सल्तान चुनोए एक बिजनेस मैन थे और वो बंबई के मेयर रह चुके थे हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला से शादी से इनके तीन बच्चे दो बेटे और एक बेटी थी इसके सुसर सर इब्राहिम रहमतुल्ला पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें 1930 में अम्पीरियल इंडियन कानून साज असम्बली का सदर मुकरर किया गया था और वो मिस्टर जना की मुस्लिम लीग के सदर भी थे लेकिन 1942 में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का खाब पूरा होने से पहले इनकी मौत हो गई 1947 में इनके शोहर को बरतानिया के शहर लंदन में सेंट जेम्स की अदालत में पाकिस्तान का पहला हाई कमिश्नर बनाया गया उन्होंने अपनी अब्तदाई तालीम कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मरियम बम्बई से हासिल की और इसके बाद क्वीन मरियम स्कूल में मैट्रिक की तालीम हासिल की इसके बाद उन्होंने एलिस्टन कॉलेज में तालीम हासिल की जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की जुबैदा रोमेन एसोसिएशन की बानी मेंबरों में से एक थी बहुत छोटी उम्र में बेगम जुबैदा ने हिंदुस्तान की आज़ादी और फौरी तौर पर क्याम पाकिस्तान के हासूल के लिए सरकर्दा सियासतदानों के साथ मिलकर अपनी खिदमात में हिस्सा लेने शुरू किया मोहम्मद अली जिना फातमा जिना लियाकत अली खान जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी किंग जॉर्ज मल्का अलिजब लॉर्ड एंड लेडी माउंट बेटन चर्चल उर्दन के शाह हुसैन और सर आगा थ्री इन्हें जाती तौर पर जानते थे जब वो 1947 में तकसीम के वक्त बरतानिया में मुकीम थी तो वो ए पी डब्ल्यू ए बरतानिया की पहली सदर बन गई वो उन्नीस सौ सैतालीस में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बरतानिया में जना की आल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली सदर थी वो उन्नीस सौ तिरपन में पाकिस्तान लौटी और ए पी डब्ल्यू ए के साथ अपना काम जारी रखा उन्होंने तंजीम के मुख्तलफ वफूद की क्यादत एशिया कॉन्फ्रेंसों और चीन की क्यादत की जुबैदा आल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन सिंध की उन्नीस से उन्नीस तक सदर रही 1955 में वो आल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन की नायब सदर बन गयी वो चेयरमैन आल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन काटेज इंडस्ट्री के अहदे पर भी फायज रही आखिर में वो आल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन कराची की चेयरमैन बनी वो कराची में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में सेक्रटरी के ओहदे पर भी रहीं बेगम रहमतुल्ला को सदर पाकिस्तान अयूब खान ने 1960 में पाकिस्तान में खातान की तंजीमों में खिदमत के लिए और ख़वान के हकूक समेत मगरबी पाकिस्तान खानदानी कवानीन पर इनके काम के लिए सतार खिदमत से नवाजा था जुबैदा हबीब रहमतुल्ला पाँच जुलाई दो हजार पंद्रह को कराची में सतानवे साल की उम्र में इंतकाल कर गई